नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं टेक न्यूज़ यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सामुदायिक शौचालय की सैलरी के बारे में, और इससे पहले बात करेंगे जल शक्ति भर्ती के बारे में। जल शक्ति भर्ती लगभग हर जिले में स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जल शक्ति की भर्ती के लिए अगर गाँव में पूरी तरह से टंकी का कार्य कम्प्लीट हो चुका है तभी जल शक्ति भर्ती की जाएंगी। जल शक्ति भर्ती करने के लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। सबसे पहले ब्लॉक टीम आकर टंकी का कार्य ये देखेगी कि टंकी का कार्य पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है या अभी नहीं हुआ है। उसके बाद जल शक्ति भर्ती के लिए ऑफलाइन फॉर्म अलाउ किए जाएंगे और जो भी महिलाएं इसमें इंटरेस्टेड हैं समूह के द्वारा वो ही इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जल शक्ति भर्ती के लिए केवल समूह की महिलाएं ही एलिजिबल हैं, इसके अलावा और कोई भी एलिजिबल नहीं है। अगर आप जल विभाग में काम करना चाहते हैं तो जल निगम भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है, जिसमें आप फॉर्म अप्लाई करके जो है इस जॉब के लिए ये ट्राई कर सकते हैं। जल सखी का कार्य टंकी की देखरेख, बिल कलेक्ट करना और नए कनेक्शन करना, ये सब रहेगा। अब बात करते हैं सामुदायिक शौचालय के बारे में। तो सामुदायिक शौचालय की बढ़ी हुई सैलरी के बारे में कई कमेंट्स आ चुके हैं कि क्या सामुदायिक शौचालय की सैलरी सच में बढ़ा दी गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करना चाहेंगे कि आप वीडियो को जरूर लाइक करें, और वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो सैलरी आपको 27,000 रुपये मिलती थी 3 महीने पर, वो सैलरी बढ़ाकर अब 36,000 रुपये कर दी गई है प्रति 3 महीने के हिसाब से। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमें तो 27,000 रुपये ही प्राप्त हुई है सामुदायिक शौचालय की सैलरी। तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 27,000 रुपये सैलरी अभी आपको जो है पिछले महीने की दी गई है। जो 36,000 सैलरी है वो आपकी मई मंथ से लेकर जुलाई तक का काउंट करने के बाद अगस्त में दिया जाएगा। तो अभी तो आपको जो है 27,000 रुपये ही प्राप्त हुए होंगे। अभी जो है पुराना ड्यूज कम्प्लीट किया जा रहा है, जैसे ही पुराना ड्यू कम्प्लीट हो जाएगा तब आपको अगली किस्त जो है वो 36,000 रुपए की प्राप्त होगी। यदि समूह के द्वारा कोई भी भर्ती की जाती है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो सैलरी को लेकर देखने को मिलती है। बीसी सखी महिलाएं, केयर टेकर महिलाएं, मनरेगा वेट में काम करने वाली महिलाएं, ड्राई फूड बांटने वाली महिलाएं, इन सभी लोगों को अगर कोई भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो वो है सैलरी को लेकर। जैसा की बीसी सखी महिलाओं को 6 महीने तक ही सैलरी दी जाएगी, लेकिन बीसी सखी महिलाओं का कहना है की हमारी नौकरी को परमानेंट कर दिया जाए। समूह के द्वारा कार्य कर रही महिलाओं को अगर सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है तो वो सामुदायिक शौचालय में कार्य कर रही केयर टेकर महिलाओं को सामुदायिक शौचालय की सैलरी ज्यादा होने का रीजन भी है, क्योंकि सामुदायिक शौचालय में जो भी केयर टेकर महिला कार्य करती है उसे सुबह जल्दी सामुदायिक शौचालय को खोलना होता है और रात को देर से ही बंद करना पड़ता है। अगर हम बीसी सखी की बात करें तो वो अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग कार्य कर सकती है, जब भी उनका मन हो तब वो कार्य कर सकती हैं, जब मन ना हो तो ना भी कर सकती हैं। लेकिन केयरटेकर महिलाओं को डेली निश्चित रूप से अपना कार्य करना है और अपना रजिस्टर मेंटेन करके रखना है, तभी उन्हें सैलरी मिलेगी, वरना उस केयरटेकर महिला के स्थान पर कोई दूसरी केयरटेकर महिला नियुक्त कर दी जाएगी और उसे सैलरी मिलना बंद हो जाएगी, फिर नई जो केयरटेकर रखी जाएगी उसे ही सैलरी दी जाएगी। इसी तरह समूह के द्वारा और भी कई भर्तियाँ की गई लेकिन उनमें कोई खास कार्य नहीं है, इसीलिए उनमें आपको जो है कम सैलरी दी जाती है। बीसी सखी महिलाएं अगर चाहें तो अपना कार्य और भी बढ़ाकर अच्छा खासा कमीशन प्राप्त कर सकती हैं, जैसे वो अकाउंट ओपनिंग और ट्रांजैक्शन का कार्य तो करती ही हैं, इसी के साथ साथ जनसेवा केंद्र का भी कार्य स्टार्ट कर लें। बैंक द्वारा कई तरह के लोन भी सैंक्शन कराए जाते हैं, तो बीसी सखी बहनें लोन के बारे में लोगों को बताएं तो उसके द्वारा आप लोन सैंक्शन करवाती हैं तो आपको कमीशन भी दिया जाएगा। इसी तरह के कार्य करके आप अच्छा खासा इनकम प्राप्त कर सकती हैं। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।